टीपी लिंक राउटर के मॉडल नंबर TLWR840N को कैसे रीसेट और रीसेट के बाद कैसे राउटर को सेटअप या कॉन्फ़िगर किया जाता है आज की वीडियो में जानेंगे। अगर आपका राउटर न्यू है तो रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है और अगर आपका राउटर ओल्ड हो गया हो तो एक बार रीसेट ज़रूर कर लीजिएगा। राउटर को कैसे रीसेट किया जाता है चलिए देख लेते हैं। हर एक राउटर के साइड में आप देखेंगे रीसेट बटन दिया गया रहता है, जैसे कि मेरे राउटर में आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। तो इसी रीसेट बटन को कुछ 15 से 20 सेकंड प्रेस करके रखना होता है और फिर छोड़ देना होता है। आप देखेंगे राउटर में दिए गए लाइट ब्लिंक करने लगते हैं, तो आपको समझ जाना है कि आपका राउटर रीसेट हो गया है। तो चलिए हम अपने राउटर को रीसेट कर लेते हैं। जब भी आपका राउटर रीसेट होगा राउटर अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला जाता है। राउटर के डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स राउटर के बैक साइड में दिया गया रहता है। तो चलिए देख लेते हैं कि राउटर के डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स क्या है। जैसा कि यहां आप देख सकते हैं कि राउटर का मॉडल नंबर दिया गया है TLWR840N। नीचे आप देखेंगे राउटर का SSID दिया गया है और इस SSID को कनेक्ट करने के लिए जो पासवर्ड यूज करना है वो यहाँ दिया गया है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि राउटर के SSID का मतलब राउटर नेटवर्क नेम होता है, यानी जब आपका राउटर ऑन होगा तो यही नाम शो करेगा। साइड में आप देखेंगे राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस करने के लिए राउटर का डिफ़ॉल्ट एक्सेस दिया गया है, यानी अगर आपको राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं पता है तो आप इस डिफ़ॉल्ट URL एड्रेस से राउटर के लॉगिन पेज को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और नीचे आप देखेंगे राउटर को लॉगिन करने के लिए राउटर का डिफ़ॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड दिया गया है जो कि स्मॉल में admin है। तो इस तरह से आप अपने राउटर के डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स राउटर के बैक साइड में देख सकते हैं। अगर समझिए कि आपके राउटर के बैक साइड में जो राउटर का डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स लिखा हुआ रहता है इफ़ नहीं है, यानी ओल्ड राउटर की वजह से मिट गया हो या फिर स्टिकर वगैरह रिमूव हो गया, तो इसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे ऐसे सिनेरियो में भी आप अपने वाईफाई राउटर को सेटअप या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। राउटर रीसेट और राउटर का डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स पता चल जाने के बाद अब आप अपने इंटरनेट केबल या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिए गए केबल को राउटर के वैन पोर्ट में इंसर्ट कर लेंगे। राउटर में जो ब्लू कलर का पोर्ट है उसको वैन पोर्ट और जो येलो कलर का पोर्ट है उसको ईथरनेट पोर्ट या लैन पोर्ट बोला जाता है। इंटरनेट केबल राउटर के वैन पोर्ट में इंसर्ट हो जाने के बाद चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि कैसे राउटर को कॉन्फ़िगर या सेटअप किया जाता है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि राउटर कॉन्फ़िगरेशन का जो प्रोसेस या स्टेप हम कंप्यूटर स्क्रीन पर बताएंगे सेम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ सबसे पहले हम अपने वाईफाई राउटर को सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। आप भी अपने वाईफाई राउटर को मोबाइल या सिस्टम में कनेक्ट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे वाईफाई राउटर का SSID शो कर रहा है, तो इसी SSID को हम अपने सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। IP37810086 यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप अपने वाईफाई राउटर का क्या पासवर्ड इंटर किए हैं। पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। थोड़ा प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद आप देखेंगे आपका वाईफाई राउटर आपके सिस्टम में वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। राउटर सिस्टम में कनेक्ट हो जाने के बाद राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे पता करना होता है, तभी आप राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा, विंडोज़ की के साथ R प्रेस करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD और ओके। तो इस तरह से आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको कमांड टाइप करना है IP config। कमांड टाइप हो जाने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है।
नीचे आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखा हुआ है और उसके सामने कुछ आईपी लिखा हुआ है। यही आईपी आपके राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे है। राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे पता चल जाने के बाद अब आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और वेब यूआरएल में राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप करके इंटरफेस कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है। इसको क्लोज कर लेते हैं। चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं कि आप राउटर के लॉगिन पेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राउटर का डिफ़ॉल्ट यूआरएल एड्रेस दिया गया है। यही यूआरएल एड्रेस आप टाइप करके इंटरफेस कर देंगे तो आप देखेंगे आपके राउटर का लॉगिन पेज आ जाएगा। तो चलिए हम टाइप करके आपको दिखा देते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं राउटर के डिफ़ॉल्ट यूआरएल एड्रेस से राउटर का लॉगिन पेज आ गया है। इसको क्लोज कर लेते हैं। तो समझिए अगर आपको राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं पता है तो आप राउटर के डिफ़ॉल्ट यूआरएल एड्रेस से भी राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि आप चाहें तो राउटर के डिफ़ॉल्ट यूआरएल एड्रेस से भी राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या फिर राउटर के डिफ़ॉल्ट गेटवे से। आप इन दोनों में से किसी एक को यूज करके राउटर को कॉन्फ़िगर या सेटअप कर सकते हैं। इसको क्लोज कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर को लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो इस राउटर का जो डिफ़ॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड है उस माल में एडमिन है। तो चलिए हम अपने राउटर का यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करके राउटर को लॉगिन कर लेते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड टाइप हो जाने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका राउटर लॉगिन हो जाता है। इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे राउटर का जो पेज है वो क्विक सेटअप से स्टार्ट हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम राउटर को रीसेट किए थे। इसको एग्जिट पर क्लिक कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम स्टेटस वाले पेज पर आ गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने राउटर का वैन स्टेटस आपको दिखा देते हैं। यहाँ आप देखेंगे वैन स्टेटस में किसी प्रकार का आईपी असाइन नहीं हुआ है। इसका मतलब हम करंट में इस राउटर से इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जब आपका राउटर कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको आईपी असाइन हुआ दिखाई देगा। अगर राउटर कॉन्फ़िगर होने के बाद भी यहाँ पर आपको आईपी शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप या तो राउटर प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं किए हैं, और अगर आप अपने राउटर को प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर किए हैं तो इसका मतलब आपके इंटरनेट कनेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो एक बार आप अपने राउटर कॉन्फ़िगरेशन और इंटरनेट कनेक्शन को वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए हम अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। राउटर को आप दो तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पहला क्विक सेटअप का प्रोसेस फॉलो करके और दूसरा मैनुअल तरीके से। तो आज के वीडियो में हम क्विक सेटअप का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके हम राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे क्विक सेटअप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्विक सेटअप का पेज स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे ऑपरेशन मोड के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे तीन ऑपरेशन मोड दिए गए हैं, इनमें से आपको वायरलेस राउटर वाला जो ऑपरेशन मोड है वही सिलेक्ट करना होता है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है। अगर सेलेक्ट नहीं हुआ है तो आपको वायरलेस राउटर वाला जो ऑपरेशन मोड है वही सिलेक्ट कर लेना है। ऑपरेशन मोड वायरलेस राउटर सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे वैन कनेक्शन टाइप के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत से वैन कनेक्शन टाइप दिए गए हैं। तो आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को दो तरीके से पता कर सकते हैं। पहला, यहाँ पर आप देखेंगे ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, इसको सेलेक्ट करके जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन टाइप क्या है। जैसे मेरे सिनेरियो में आप देखेंगे मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन टाइप है वो ट्रिपल पीओई है। तो ऐसे ही आप भी अपने इंटरनेट कनेक्शन टाइप को पता कर लेंगे। और दूसरा तरीका यह है कि आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करेंगे तो आपके सर्विस प्रोवाइडर आपको बता देंगे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन टाइप क्या है।
तो अपने यहाँ तीन इंटरनेट कनेक्शन टाइप यूज किया जाता है, जैसे पहला डायनेमिक, दूसरा स्टेटिक आईपी और तीसरा ट्रिपल पीओई। तो चलिए इन तीनों इंटरनेट कनेक्शन टाइप को समझ लेते हैं कि अगर आपका इन तीनों में से कोई एक इंटरनेट कनेक्शन टाइप है तो कैसे कॉन्फिगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायनेमिक आईपी वाले इंटरनेट कनेक्शन को देखेंगे कि कैसे अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन टाइप डायनेमिक आईपी है तो कैसे राउटर को कॉन्फिगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायनेमिक आईपी को सेलेक्ट करेंगे। डायनेमिक आईपी सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे मैक क्लोन के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यस और नो पूछा जाता है, यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आप वायरलेस के पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ से हम बैक जाएंगे और देखेंगे कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन टाइप स्टैटिक आईपी है तो आप अपने राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और फिर से हम वैन कनेक्शन टाइप के पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर हम स्टैटिक आईपी सेलेक्ट करेंगे। इंटरनेट कनेक्शन टाइप स्टैटिक आईपी सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आप स्टैटिक आईपी के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आईपी एड्रेस पूछा जा रहा है, सबनेट मास्क पूछा जा रहा है, डिफ़ॉल्ट गेटवे पूछा जा रहा है, प्राइमरी डीएनएस और सेकेंडरी डीएनएस पूछा जा रहा है। तो ये सब जो डिटेल्स है आपके सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आपको दिया गया रहेगा, वही सब डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना होता है। तो चलिए डेमो आईपी इंटर करके आपको दिखा देते हैं कि नेक्स्ट आपको क्या करना है। तो इस तरह से आप अपने सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिए गए आईपी को यहाँ पर इंटर कर लेंगे। आईपी इंटर हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आप वायरलेस के पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ से हम फिर बैक जाएंगे और देखेंगे कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन टाइप ट्रिपल पीओई है तो आप कैसे अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और फिर से हम वैन कनेक्शन टाइप के पेज पर आ जाते हैं और यहाँ इस बार हम ट्रिपल पीओई कनेक्शन टाइप को देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिपल पीओई कनेक्शन टाइप दिया गया है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ट्रिपल पीओई कनेक्शन टाइप सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप ट्रिपल पीओई के पेज पर आ जाते हैं और यहाँ आप देखेंगे आपके ट्रिपल पीओई कनेक्शन टाइप का यूजर नेम, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो अगर आपका कनेक्शन टाइप ट्रिपल पीओई रहेगा तो आपके सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया रहेगा, वही यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर करना होता है। तो चूंकि जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन टाइप है वो ट्रिपल पीओई है तो हम अपने सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिए गए यूजर नेम पासवर्ड का यहाँ पर इंटर करेंगे। तो चलिए हम अपने ट्रिपल पीओई कनेक्शन टाइप का यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे सेकेंडरी कनेक्शन पूछा जा रहा है जो कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल हुआ है, तो इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आप वायरलेस के पेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि अगर आपका कनेक्शन टाइप डायनेमिक आईपी हो या फिर स्टैटिक आईपी हो या फिर ट्रिपल पीओई है, इन तीनों कनेक्शन टाइप में से कोई भी कनेक्शन टाइप आपका हो तो यहाँ से आपका जो राउटर का कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगा। इसीलिए आप ध्यान दिए रहेंगे तो जब भी हम वायरलेस के पेज पर आते थे तो बैक चले जाते थे, क्योंकि हमें आपको और भी इंटरनेट कनेक्शन टाइप को दिखाना था कि कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो वायरलेस के पेज पर आप देखेंगे राउटर का SSID और पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो आप अपने पसंद के हिसाब से जो SSID और पासवर्ड रखना चाहते हैं यहाँ रख सकते हैं। तो चलिए हम अपने राउटर का SSID और पासवर्ड रख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने राउटर का SSID और पासवर्ड रख लिए हैं। राउटर का SSID और पासवर्ड रखने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आप समरी के पेज पर आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी तक आप जो भी चेंजेस या सिलेक्शन किए हैं उसका डिटेल्स यहाँ पर शो करता है। अगर आपको अभी भी कुछ चेंजेस करना है तो बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि जैसे ही सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे थोड़े टाइम बाद आपका राउटर आपके सिस्टम या मोबाइल से डिसकनेक्ट होगा। आपको फिर से अपने राउटर को सिस्टम में कनेक्ट कर लेना है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने राउटर का SSID और पासवर्ड चेंज किए थे। तो याद रहे जब भी आप अपने राउटर का SSID और पासवर्ड चेंज करेंगे तो आपका राउटर सिस्टम से डिसकनेक्ट होगा ही। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर का नया SSID शो करने लगा है। तो चलिए इस नए SSID को सिस्टम में कनेक्ट कर लेते हैं।
जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर का नया SSID सिस्टम में कनेक्ट हो गया है। अब हम राउटर के पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं राउटर के पेज को रिफ्रेश करने के बाद हम राउटर के स्टेटस वाले पेज पर आ गए हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और वैन स्टेटस में आप देख सकते हैं करंट में राउटर को IP असाइन हो गया है। इसका मतलब यह है कि करंट में आप इस राउटर से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ हम आपको बताते चलें कि कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर PPP कनेक्शन में सर्विस नेम भी यूज करते हैं, तो अगर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्विस नेम यूज करता है तो आप अपने PPP कॉन्फ़िगरेशन में सर्विस नेम जरूर मेंशन करिएगा। इफ़ आपका सर्विस प्रोवाइडर सर्विस नेम यूज करता है और आप अपने PPP कॉन्फ़िगरेशन में सर्विस नेम मेंशन नहीं करते हैं तो आप अपने राउटर से इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि PPP इंटरनेट कनेक्शन टाइप में इफ़ आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्विस नेम यूज करता है तो आप अपने PPP कॉन्फ़िगरेशन में सर्विस नेम जरूर मेंशन करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इफ़ आपको इस राउटर में सर्विस नेम मेंशन करना है तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप वैन सेटिंग के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ आप अपने PPP कनेक्शन का कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। नीचे आप देखेंगे एडवांस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ आप देखेंगे सर्विस नेम मेंशन करने के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आप अपने PPP कनेक्शन टाइप का जो भी सर्विस नेम रहेगा वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। सर्विस नेम इंटर कर लेने के बाद नीचे आप देखेंगे सेव का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि मेरा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस नेम यूज नहीं करता है, इसलिए हम सर्विस नेम मेंशन नहीं किए हैं। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं कि राउटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है या नहीं। तो हम स्पीड टेस्ट रन करेंगे। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं करंट में मेरे राउटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। तो इस तरह से आप TP-Link राउटर के मॉडल नंबर TLWR840N को कॉन्फ़िगर या सेटअप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।